नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल क्रिक आकाश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा होने वाला है चेंज और इस वीडियो में आपको अनबॉक्स करने वाला हूं एक ट्राईपॉड जो कि मैंने मंगाया है आज फ्लिपकार्ट से। सो ये है, ये देखिए फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है और अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी क्वालिटी है, कैसा है। अभी तक मैंने अनबॉक्स नहीं किया है, सुबह ये पार्सल डिलीवर हो गया था। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने ही अनबॉक्स करते हैं और क्या इसकी क्वालिटी होने वाली है। और एक ये मिड रेंज का ट्राईपॉड होने वाला है, सो चलिए देखते हैं। और इस पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना। तो गाइस चलिए इसको देखते हैं अनबॉक्स करके क्या कंटेंट होने वाला है इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं अभी इसके अंदर निकला हुआ है एक कवर और ये कवर में रखा हुआ है। तो इसको देख लेते हैं, आपको इसके ऊपर जो कुछ इसके फीचर्स बताए गए मैं बता देता हूँ। कुछ खास नहीं है, थ्री वे हेड यानी इसमें जो थ्री लेग्स होती हैं वो बताएंगे, बिल्ट इन लेबल, फोर सेकंड एल्यूमिनियम लेग्स और क्विकर लेबल, कुछ खास नहीं है दोस्तों। चलो मैं दिखा देता हूँ और ओपन करने के बाद सबसे पहले इसमें एक ये निकलता है क्लिप होल्डर मोबाइल के लिए, इसमें आप मोबाइल होल्ड कर सकते हैं। सो इसे मैं साइड में रख देता हूँ और इसके बाद ये निकलने वाला है मेन ट्राईपॉड। ये देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये जो थ्री लैक्स हैं इसकी, इसी के बारे में बात हो रही थी। और ये कुछ यहाँ से ऐसे करके गाइज मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसकी जो क्वालिटी वो मुझे कुछ खास नहीं लग रही है, बिकॉज मिड रेंज में है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ये कुछ इस तरीके से होगा और आप सोच रहे हैं इतना ही बड़ा है, नहीं ये अभी और लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा गलत वे में खड़ा हुआ हूँ तो इसको अभी मैं आपको कोशिश करूँगा कि नीचे रख के भी दिखाऊँ। मैं आपको इसका फीचर समझा देता हूँ। इसका जो ये क्लिप है आप इसको यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, और ये यहाँ पर होल्ड होने के बाद मैं नीचे से इसको पकड़ना पड़ेगा। ये इस तरीके से यहाँ पे होल्ड हो जाएगा और इसमें आप अपना यहाँ मोबाइल होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर मैं आपको दिखा पाऊंगा तो एक सेकंड रुकिए। इसमें जो ये नीचे क्लिप लगी हुई है अगर आप इनको ऐसे करके खोल देंगे तो ये इस तरीके से लंबी हो जाएगी। इसके बाद में एक और है, ये इस तरीके से, इसके बाद एक और है, ये देखिए गाइस। और इसके बाद में वापस इसको लॉक कर देना है इस तरीके से, ऐसे ही करके हम तीनों खोल लेंगे और फिर आपको इसकी हाइट दिखाएंगे लगभग कितनी हो रही है। ये यहाँ से लॉक कर देंगे, यहाँ से लॉक कर देंगे और फिर यहाँ से लॉक कर देंगे। ये देखिए गाइस, इसको लॉक कर देंगे ऐसे और अभी मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से रखने वाला हूँ गाइस। ये देखिए, और इसको भी यहाँ पे टाइट कर देंगे। ये देखिए गाइस, अभी अप्रोक्सली इसकी हाइट है 4.5 फुट तकरीबन, और यहाँ पे मोबाइल होल्ड करने के बाद में आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से इसको लूज करने के बाद आप इस तरीके से अपना मोबाइल इधर एंगल चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद में यहाँ से आप इसको लूज़ करने के बाद इस तरीके से यहाँ से भी हो जाएगा। तो ये ट्राईपॉड मंगाने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ब्लॉग शूट करने की, या जैसे कोई फेस कैम वीडियो बनानी होती है तो उसके लिए, जैसे मैं अभी यहाँ पर सेल्फी स्टिक में अपना मोबाइल लगा के खड़ा हुआ हूँ और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैंने ये मंगाया आपके लिए। और
अगर कोई नया यूट्यूबर है और वो अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए आई थिंक ये एक मिड रेंज में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया और कोई ख़ास कीमत भी नहीं है इसकी, अप्रॉक्सी 400 रुपये का है। तो गाइज बस यही था इस वीडियो में, मैं आपको एक बार इस पर अपना मोबाइल होल्ड करके भी दिखाऊंगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं अब मेरा मोबाइल फिक्स हो चुका है इस ट्राईपॉड के ऊपर और काफ़ी आसानी से मैं अब शूट कर पा रहा हूँ अपना वीडियो। सो बस यही था आप लोगों को बताने के लिए कि मैंने ये ट्राईपॉड मंगाया था, सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। और अगर आप लोगों को भी ये ट्राईपॉड चाहिए, आप लोग एक बिगिनर हैं यूट्यूब पे और अपना नया चैनल स्टार्ट किया, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर जाके क्लिक करके देख लीजिए इसका प्राइस स्पेसिफिकेशन क्या है। और क्वालिटी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन एक बिगिनर के लिए ठीक ठाक है, सही काम करेगा अगर आप लोग इसे ठीक ठाक ढंग से चलाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यूज़ काफ़ी कमा रहे हैं मेरे वीडियोस पे, तो उसके लिए कहना चाहूँगा आई थिंक हो सकता है कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल को ना दबाया हो। आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली जो भी नई वीडियोज़ होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको अपने डिवाइस पर मिल सके। सो प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप लोगों को आगे फेस कैम वीडियोज़, ब्लॉग्स और जो भी न्यूज़ अपडेट्स है वो सब कुछ अपने चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। सो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए गाइज़। और आप लोगों ने अगर मेरा पुराना वीडियो मोनेटाइजेशन इनेबल वाला नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है, काफ़ी खुशी की बात है। बस अब सपोर्ट, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। सो आप लोग सपोर्ट करिए और आगे ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए क्रिक आकाश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।